ये जे एडवांस 2023 में पेपर वन में फिजिक्स का क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है, पर इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स जो है वर्क एनर्जी पावर से और कोलिजन से भी यूज किया गया है, राइट ना। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। करा स्लाइड ए स्लाइड विद अ फ्रिक्शनलेस कर्व्ड सरफेस। एक स्लाइड है इस तरह से फ्रिक्शनलेस कर्व्ड सरफेस से बना हुआ है, ये कैसा है? फ्रिक्शनलेस। विच बिकम्स हॉरिजेंटल एट इट्स लोअर एंड। लोअर एंड पे आके ये हॉरिजेंटल बन जा रहा है, ये जो स्लाइड है। इज फिक्स्ड ऑन ए टेरेस ऑफ ए बिल्डिंग, किसी बिल्डिंग के छत पे फिक्स्ड है। वो हाइट 3h, बिल्डिंग का हाइट 3h है, ये वाला जो हाइट है बिल्डिंग का वो 3h है। फ्रॉम द ग्राउंड एज शोन इन द फिगर, अ स्फेरिकल बॉल ऑफ मास m, यहाँ से स्फेरिकल बॉल को छोड़ा गया है मास m, इज रिलीज्ड ऑन द स्लाइड फ्रॉम रेस्ट, यहाँ से इसको छोड़ा गया है रेस्ट से। एट ए हाइट एच फ्रॉम द टॉप ऑफ द टेरेस, टेरेस का जो हाइट है उससे एच हाइट पे यहां से रेस्ट मान लेते हैं, यही एच हाइट है मान लेते हैं, यहां से छोड़ा गया है। द बॉल लीव्स द स्लाइड विद अ वेलोसिटी वी नॉट इज इक्वल्स टू यू नॉट इज इक्वल्स टू यू नॉट एक्स। एक्स यहाँ पे यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है जो एक्स के डायरेक्शन में, तो यहाँ पे देखा जा सकता है कि यू नॉट जो है वो मैग्नीट्यूड इसका यू नॉट है डायरेक्शन एक्स का, इसलिए यूनिट वेक्टर एक्स यूज कर रहा है। एंड फॉल्स ऑन द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस डी फ्रॉम द बिल्डिंग, इस बिल्डिंग से डी डिस्टेंस पे, ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है डी डिस्टेंस पे ये ग्राउंड पे गिरता है यहाँ, राइट। एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजेंटल, इट बाउंसेज ऑफ विद अ वेलोसिटी वी, और गिरने के बाद जब ये बाउंस करता है तो उसकी वेलोसिटी है वी, एंड रीचेज अ मैक्सिमम हाइट एच वन, यहाँ से बाउंस करने के बाद जो मैक्सिमम हाइट अचीव करता है वो एच वन है। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जी, एंड द कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ द ग्राउंड इज 1/√3। यहाँ पे म्यू की वैल्यू जो है कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यहाँ पे दिया हुआ कितना, कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, कोलिजन में इसको यूज करेंगे 1/√3 के बने, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है, कौन कौन सा सही है, ये क्वेश्चन है हमारा। मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट हो सकता है, क्या क्या चेक करना है अभी पहले देख लेते हैं। इसमें हम लोग को पता लगाना है ए ऑप्शन में कि यहाँ पे यू नॉट की वैल्यू क्या होगी, सेकेंड ये जो वेलोसिटी वी है उसकी वैल्यू क्या होगी ये पता लगाना है, सी थर्ड ऑप्शन में हम लोग को पता करना है थीटा की वैल्यू क्या होगा, और डी ऑप्शन में ये जो डी और एच वन है ये दोनों की वैल्यू पता करके इसका रेशियो पता करना है, राइट। ये मल्टीपल चॉइस करेक्ट या मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट टाइप क्वेश्चन है, एमसीक्यू कह सकते हैं। तो हमें एक एक करके सारे ऑप्शंस यहाँ पे चेक करने होंगे। तो फर्स्ट पार्ट के लिए यहाँ पे ये रेस्ट में था, यहाँ पे इसने वेलोसिटी गेन किया यू नॉट, तो इस यू नॉट का डायरेक्शन तो एक्स का होगा, इसको वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। जरूरत क्या है वेरीफाई करने का, इसका मैग्नीट्यूड वाला पार्ट कि यू नॉट का जो मैग्नीट्यूड है √2gh होगा या नहीं। तो यहाँ पे ये जो सरफेस है वो कैसा दिया गया है, स्मूथ दिया गया है, ये स्फेरिकल बॉल है पर स्मूथ सरफेस पे रोल नहीं करेगा, वो सीधा स्लाइड करके आ जाएगा लीनियर मोशन करते हुए। यहाँ पे हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि एनर्जी कंजर्व कराया जा सकता है, राइट ना। स्मूथ है, फ्रिक्शन लेस है, तो किसी तरह का नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है,
और जो नॉर्मल फोर्स है उसका वर्क डन जीरो होगा, तो जो भी वर्क डन है वो एमजी के कारण है, तो हम इसे दिखा सकते हैं कि एनर्जी कंजर्व होगा। इनिशियल एनर्जी जो है, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, इस कॉन्सेप्ट को अगर यूज करते हो वर्क एनर्जी पावर से, तो आपको यहाँ पे वी मिल जाएगा। इनिशियली क्या एनर्जी था, पोटेंशियल एनर्जी है एम जी एच, काइनेटिक एनर्जी क्या है इनिशियल जीरो, फाइनल पोजीशन पे इस पोजीशन पे हम पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मानते हैं इन दोनों में कंपैरिजन के लिए। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो और काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू नॉट स्क्वायर, राइट ना, एम से एम को मार सकते हैं, यू नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2gh और यू नॉट की वैल्यू रूट अंडर 2gh। यू नॉट का जो मैग्नीट्यूड दिया हुआ वो तो बिल्कुल सही लग रहा है और डायरेक्शन भी सही है एक्स के डायरेक्शन में, ये क्योंकि ये कह रहा कि यहाँ पे आके ये सरफेस फ्लैट हो जा रहा है, हॉरिजेंटल हो जा रहा है, तो ये हॉरिजेंटल डायरेक्शन में स्पीड होगा, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन सही है, करेक्ट। अब सेकेंड ऑप्शन हम लोग को चेक करना है, सेकेंड ऑप्शन मतलब V की वैल्यू फाइंड करनी है कि क्या है। तो V की वैल्यू, V कोलिजन के बाद का वेलोसिटी है, यहाँ पे आके ये कोलाइड करता है, तो जब ये ग्राउंड को हिट कर रहा होगा उस समय इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं कि V1 होगा, राइट ना। V1 का दो कॉम्पोनेंट ले लेते हैं, एक हॉरिजेंटल डायरेक्शन में V1x, एक वर्टिकल डायरेक्शन में इसको कह लेते हैं V1y, राइट ना। तो अगर हमें V1 मिल गया तो हम कोलिजन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करके V की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। हालांकि V का जो मैग्नीट्यूड दिया हुआ है वो तो सही है 2gh, ये V का दो कंपोनेंट कह रहा है x और z, z किधर कंसीडर कर रहे हैं हम लोग, ऊपर की तरफ, z अगर आप ऊपर कंसीडर कर रहे हैं इसका एक कंपोनेंट, V का एक कंपोनेंट ऊपर होगा और दूसरा इधर, V X मान लेते हैं इसको, ऊपर वाले को VY, यहां पे इसका Y कंपोनेंट जो है ना वो साफ साफ दिख रहा है कि पॉजिटिव VY कह रहे, इसको VZ कहिए, ये डायरेक्शन जो है Z का है, तो जो Z कंपोनेंट होगा वो ऊपर होगा पॉजिटिव Z की तरफ, ये पॉजिटिव Z है, तो ये जेड वाला कंपोनेंट होना चाहिए था पॉजिटिव, पर दिया है नेगेटिव, इसलिए इस पे डाउट लग रहा है, ये गलत हो सकता है, फिर भी एक बार हम लोग चेक करेंगे, राइट। वी की वैल्यू पता करने के लिए हमें V1 पता करना पड़ेगा, और V1 में हम जानते हैं कि यहां से ये प्रोजेक्टाइल मोशन शुरू हो गया, इस प्रोजेक्टाइल मोशन में जो हॉरिजेंटल वेलोसिटी है वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा। क्यों कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन सिर्फ किस में है, वर्टिकल डायरेक्शन में। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि V1 X जो है वो U0 के बराबर होगा, राइट। U0 कितना था, U0 है रूट अंडर 2gh। अब हमें पता क्या करना है, V1 Z कैसे पता करेंगे, V1 Z के लिए हम करते हैं U0 Z प्लस AZ इंटू T, या फिर दूसरा एक तरीका है, क्योंकि यहां से इस पॉइंट तक आने में Z के डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ इसको अगर आप ओरिजिन मान लेते हैं, इसे X मान रहे हैं और ऊपर वाले को Z मान रहे हैं, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट डी है और जेड कोऑर्डिनेट जो है ये वाला जो हाइट आया नीचे यहाँ तक वो है, यानी इस पॉइंट पे आके जेड की वैल्यू जो होगा वो -3h हो, ये हाइट ऑलरेडी गिवन है कि 3h है ना, नेगेटिव क्यों, क्योंकि नीचे की तरफ क्या है। तो हम एक काम कर सकते हैं इसमें, V1 Z square is equals to U0 Z
यू का जेड कंपोनेंट, इनिशियल जेड कंपोनेंट, और या माइनस लिखते हैं इज इक्वल्स टू टू ए जेड इनटू जेड, राइट ना। ये इनिशियल वैल्यू तो जीरो है, इसको हटाइए। अब फाइनल वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, इनिशियल जो जेड कंपोनेंट है इसका, आप देखिएगा इसका जेड कंपोनेंट इनिशियली आप देख रहे हैं, इधर इधर कोई कंपोनेंट नहीं होगा क्योंकि ये पूरी तरह एक्स के डायरेक्शन में, इसलिए जेड के डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट जीरो। दूसरी चीज यहाँ पे एजेड जो है वो माइनस जी है, क्यों, क्योंकि जेड आप ऊपर ले रहे हैं और एक्सेलरेशन नीचे है, और ये जेड भी माइनस है, कितना ये जेड जो है वो यहाँ सॉरी टू होगा, ये जेड जो है माइनस थ्री एच है। वी वन जेड स्क्वायर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, वी वन जेड इज इक्वल टू रूट अंडर टू जी इंटू थ्री एच, ये हो गया। तो अब हम इसको लिख सकते हैं कि हमारा जो वी वन है उसका दो कंपोनेंट है, राइट। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड का पता चला है, डायरेक्शन इसका किधर है, नीचे की तरफ है, ये साफ साफ दिख रहा है। इसका एक्स कंपोनेंट जो है वो रूट अंडर, एक्स कंपोनेंट यही है, रूट अंडर टू जी एच इंटू यूनिट वेक्टर एक्स, और वाई जो जेड कंपोनेंट है वो उल्टा है, नीचे है, और जेड हमने माना ऊपर, इसको माइनस लिखना होगा रूट अंडर टू जी एच इंटू थ्री को थोड़ा हम अलग रख रहे हैं अभी के लिए, राइट ना, इंटू जेड। अब आप देखिए कोलिजन के बाद ये जो कंपोनेंट है एक्स के डायरेक्शन में वो चेंज नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि v का जो x कंपोनेंट है वो v1x के बराबर रह जाएगा, क्यों, क्योंकि लाइन ऑफ इंपैक्ट यहाँ पे फोर्स जो लग रहा है नॉर्मल फोर्स, वो इस डायरेक्शन में, इधर कोई फोर्स है नहीं, तो फोर्स चेंज वेलोसिटी चेंज होगा नहीं, यानी x कंपोनेंट रूट अंडर टू जी एच ही रह जाएगा, करेक्ट। vy जो होगा वो क्या होता है कि जैसे आप इसमें एक बॉल गिरा रहे हैं यूं, और कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e है, तो हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो है वो v z है, राइट, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो है वो, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो है वो ऊपर से जो आ रहा है वो है, वो है वी वन जेड, राइट। एक हम रूल लेके चलते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो कि वी वन वाई है इज इक्वल टू ई होता है, तो वी वाई इज इक्वल टू ई इंटू वी वन जेड। यहाँ पे वाई गलती हो गया है, इसको जेड कर दीजिए, जनरली हम लोग इसको एक्स वाई लेते हैं, पर इस क्वेश्चन में एक्स और जेड लिया तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को आगे बढ़ना होगा। ये ई की वैल्यू कितना है, वन बाई रूट थ्री इंटू आपका जो वी वन जेड है, वी वन जेड वो कितना आया था, सर वी वन जेड आया था रूट अंडर टू एच टू जी एच इंटू थ्री, ये रूट थ्री और ये रूट थ्री कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए इसको हम अभी तक अलग रख रहे थे, ये आता रूट अंडर टू जी एच। पर अगर डायरेक्शन की बात करें तो v का जो डायरेक्शन है वो किधर आ रहा है, पॉजिटिव z की तरफ, तो v का जो एक्सप्रेशन होगा वो होगा इसका x कंपोनेंट कौन सा है, ये vx into x यानी कि रूट अंडर टू जी एच इंटू यूनिट वेक्टर x प्लस रूट अंडर टू जी एच इंटू यूनिट वेक्टर z। अगर हम रूट अंडर टू जी एच कॉमन भी ले लेते हैं तो यूनिट वेक्टर x प्लस यूनिट वेक्टर z ये आता है। क्या ये ऑप्शन b से मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है,
यानी ए ऑप्शन ए सही है, बी सही नहीं है, राइट। अब आते हैं हम लोग थर्ड ऑप्शन पे। थर्ड ऑप्शन के लिए थीटा हमें चेक करना होगा। थीटा कैसे चेक करेंगे? यह वी वन हमको मिल चुका है, ये जो एंगल आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, वही एंगल यहाँ पे भी थीटा होगा। तो वी वन का जो दो कंपोनेंट है ना, वी वन एक्स और इधर वी वन जेड, इन दोनों का ही रेशियो टैन थीटा बताएगा, राइट ना। टैन थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं वी वन जेड बाई वी वन एक्स। वी वन जेड का मैग्नीट्यूड कितना आया था? सर ये आया था रूट अंडर 2gh इंटू 3, और ये आया है हमारा रूट अंडर 2gh। अभी भी हमने देखा जस्ट इसके पहले, तो ये आता है रूट 3। टैन थीटा की वैल्यू रूट 3 कब आता है? जब थीटा 60 डिग्री हो, यानी थर्ड वाला ऑप्शन सही है। फर्स्ट वाला भी सही था, थर्ड सही है, सेकंड सही नहीं है। अब डी को चेक करना है। डी को कैसे चेक करेंगे? ऑप्शन डी में हमको ये डी की वैल्यू और हाइट h1 ये दोनों पता करना है। डी कैसे पता चलेगा? यहां से नीचे आने में कितना समय लगता है? तो टाइम निकालने के लिए हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? यू वाई इजिकल्स टू वाई, या यहाँ पे कहिए जेड, जेड के डायरेक्शन में नीचे फॉल हो रहा है, जेड इजिकल्स टू यू जेड, इनिशियल जेड वैल्यू यू जेड इंटू टी बाई प्लस हाफ ए जेड टी स्क्वायर, राइट ना। यहां से यहां आने में आप देख सकते हैं कि जो जेड की वैल्यू चेंज हुआ है, वैरी किया है, यहां से यहां तक नीचे तक आने में वो कितना हुआ है? जेड की वैल्यू दिया हुआ है 3h, और क्या गिवन है? यूजेड दिया हुआ है 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यह है -3h, और इधर है हाफ इंटू -g, है ना, इंटू टी स्क्वायर। दोनों तरफ का माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा 2 इंटू 3, कितना 6h/g, और टी इज रूट अंडर 6h/g। तो यहां तक नीचे तक आने में जो टाइम लगा वो मिल गया। अब उस टाइम इंटरवल में ये कांस्टेंट स्पीड यू नोट से आगे चल रहा है, तो जो डी डिस्टेंस होगा वो यू नोट इंटू टी होगा। यू नोट की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, रूट अंडर 2gh था इंटू रूट अंडर 6h/g। अब ये h1 कैसे मिलेगा? h1 इसका मैक्सिमम हाइट है। h1 मैक्सिमम हाइट कैसे पता करते हैं? h1 का एक फॉर्मूला है, इसका जो y कंपोनेंट है ना, या vz कंपोनेंट कह लीजिए, h1 के लिए हम क्या करते हैं? vz स्क्वायर बाई 2g, ये फॉर्मूला है ना। vz कितना आया था? विजेट आया था ये रूट अंडर 2gh, रूट अंडर 2gh का होल स्क्वायर, ये कट गया बाई 2g, राइट। 2g से 2g कट गया, ये h के बराबर है। और यहां से क्या आ रहा है? g से g कट जाएगा, ये आ रहा है 12 इंटू h। जब रेशियो लेंगे डी बाई h1 का, तो ये होगा रूट अंडर 12h डिवाइडेड बाई h, h से h गया, बचा कितना? रूट 12, पर यह गिवन क्या है? 2 रूट 3, तो यह 12 को लिखा जा सकता है 4 इंटू 3, और 4 का रूट होता है 2, ये 2 रूट 3 हो गया, यानी कि ऑप्शन डी भी सही है। तो देखिए क्या क्या कॉन्सेप्ट इसमें हम लोगों ने यूज किया। एक तो ये वी पता करने के लिए कोलिजन का कॉन्सेप्ट हमने यूज किया था, और आंसर भी सही नहीं मैच किया। यहाँ पे वर्क एनर्जी पावर का,
इसमें हमने फाइनल वेलोसिटी पता किया है प्रोजेक्टाइल मोशन के कॉन्सेप्ट को यूज करके, और इसमें भी हमने प्रोजेक्टाइल मोशन का ही कॉन्सेप्ट यूज किया है। सही आंसर क्या क्या है? इसमें सही आंसर है ऑप्शन ए, सी और डी।